तो मुझे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन अगर हम आपको खुद खबर ना दें तो फिर 10 किस्म के बाहर भी मस। हम ये करेंगे, आइंदा पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम स्काइप पे रहें। आप अपने अपने डिपार्टमेंट से स्काइप का बंदोबस्त करें, क्योंकि हमने हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप किस तरह इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हम इंशाल्लाह स्काइप पे करेंगे ताकि आप सारों को अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर लें। जैसे डॉक्टर साहिबा ने आपके सामने ये बात रखी कि चाइना के अंदर डॉक्टर्स ने फ्रंट फुट पे आके जो है वो इस पूरी जंग से लड़ाई की और आज वो जीत चुके हैं। मैं सिंपल ये बात कहूँगा, एक मिनट यार सुन ले सारे दोस्त, इस पूरी वबाई सूरत हाल के अंदर, इस जंग के अंदर और हर जंग के अंदर कुछ कम्युनिटीज़ और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक्सेप्शनल चीज़ों को डील करना पड़ता है, आउट ऑफ द वे डील करना पड़ता है। जो मोडलिटीज़ और SOPs उस जंग के हवाले से, उस स्ट्रगल के हवाले से तय किए होते हैं, उससे हट के जो है वो डील करना पड़ता है ताकि उस जंग को और उस मिशन को जीता जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं हो गया, डॉक्टर साहिबा होगी और आप लोग हो गए, हम सारे उसमें आते हैं। तो हमें आवाम से हट के थोड़ा सा जो है वो SOPs से थोड़ा सा वायलेट भी अगर हम करके अगर आवाम को आगाही दे सकें, आवाम को इस जंग के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से कोई मैसेज दे सके। तो हमें ये फरमाइएगा कि एक अंदर आया है कि ये जो आइसोलेशन वार्ड है ये अलग थलग जगह के ऊपर बनाए होते हैं, लेकिन आपने तमाम हॉस्पिटल के अंदर जिससे दूसरे लोग मुतासर हैं। देखिए मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, अगर ये कोरोना वायरस फैला तो फिर सारे अस्पतालों के सारे वार्ड भरेंगे, ये आप भूल जाएं। ये अगर लोग हम किसी तरीके से लोगों को एक्सपोज नहीं, सेपरेट काउंटर बना रहे हैं, जो आइसोलेशन वार्ड है जब तक एक बंदा कंफर्म नहीं होता उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा, जब पता चल जाए कि उसको कोरोना वायरस है तो उसके लिए बाकायदा एक अलहदा वार्ड है। हर हॉस्पिटल के अंदर अलहदा वार्ड्स हैं, 4 हमने नए हॉस्पिटल्स जो हैं जिसके अंदर तैयब अर्दोगान हॉस्पिटल, PKLI यूरोलॉजी का हॉस्पिटल और इसी तरीके से भावलपुर सिविल हॉस्पिटल जो है उनको बिल्कुल अलहदा सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स के लिए। राणा वही साहब जी एक बताइएगा कि सिंध के अंदर इसके बाद ज्यादा पेशेंट आए और वहाँ पे नो डाउट इसके वजीर आला जो वो सिंध है उन्होंने मुराद अली शाह बहुत अच्छा इस वक्त तक वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या पंजाब के अंदर उनके साथ कोऑर्डिनेशन है? बड़ा भाई का किरदार हम माजी में देखा कि पंजाब बहुत अदा करता रहा और इस वक्त सिंध के अंदर ज्यादा पेशेंट है जो कि वहां पे, और इस वक्त पंजाब सिंध के साथ कोऑर्डिनेशन का क्या लाया अमल है? क्यों है मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे बड़ा बोझ पंजाब पे पड़ेगा अगर जो जायरीन आ रहे हैं अगर उनके पास 290 गए तो हमारे पास इस वक्त 750 हैं जो टेस्ट हो रही है। अगली खेप जायरीन की जो आ रही है वो 1200 की है जो पंजाब आएगी। हमेशा याद करिए कि बड़ा भाई जो है वो सिर्फ बड़ा भाई नहीं, सबसे ज़्यादा बोझ भी उठाएगा। हमारे अपने मरीजों की तादाद नेचुरली उस परसेंटेज के मुकाबले में उनसे ज़्यादा होगी। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, सारे चीफ मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे, मुराद साहब भी वहाँ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस किया और ये कहा कि वेयर द नेशनल गवर्नमेंट इज़ कंसर्न हर तरीके से हम हेल्प करने को तैयार हैं। कल येस्टरडे दोबारा स्काइप के ऊपर सारे सूबों के साथ बात हुई और सबसे ज़्यादा बात प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी की सुनी तो सिंध की सुनी और सिंध को सपोर्ट करने की बात गई। तो मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम किसी किस्म की इन चीज़ों के अंदर तफरका ना पैदा करें, ये नेशनल कॉज है, इस नेशनल कॉज के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हुए हैं और इस जंग को हम सब इकट्ठे लड़ेंगे। 11 करोड़ कर दें और वेंटिलेटर्स कितने इस वक्त महकमा सेहत के पास, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट जिसमें तशखीस होती है उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है,
पहले भी हमारे पास वेंटिलेटर की तादाद कितनी, अगर बढ़ रही है तादाद कोरोना की बढ़ेगी तो कितने वेंटिलेटर आप इसमें साथ पैसा वाला भी ऐड कर लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा जो आपने नए डीजी खान के केसेस बताए हैं उनमें जो लोग आए हैं वो मस्कत कब गए थे, ईरान से पाकिस्तान आए हैं डायरेक्टली या वाया मस्कत आए, कितना दो पेशेंट ये जो 736 मरीज जो हैं 736 ज़ायरीन ये क्वारंटीन में रखे गए हैं, अलहदा अलहदा कमरे और ग्रुप्स में रखे हुए हैं और इनमें क्योंकि ये पहले वहाँ इकट्ठे रहे 14 दिन इसलिए उनमें इन्फेक्शन फैली है। अब उनके टेस्ट करके जो नेगेटिव आएगा उनको अलहदा आइसोलेट किया जाएगा, जो पॉजिटिव आएगा उसको अलहदा कर दिया जाएगा और जहाँ तक ताल्लुक है ये जो 736 का मैं कह रही हूँ ये सब ज़ायरीन वो हैं जो बाय रोड तफ्तान से आए, जिस मरीज़ के बारे में आपने मुझसे पूछा जिसकी डेथ हुई है और हम वो शक है कि वो शायद कोरोना से ना हुई हो, वो जो थे वो ईरान से पहले मस्कत गए, फिर मस्कत में भी उन्होंने अपना वहाँ इलाज कराया क्योंकि जो उनकी रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि कोरोना वायरस कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, उन्होंने कंफर्म नहीं किया, उन्होंने कहा कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। अब क्योंकि हमने उनका टेस्ट किया तो हम आपको कंफर्म, इन्होंने पूछा कि एक सस्पेक्ट जो था वो दौड़ गया, मकसद ये है कि ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना कि हम अगर दौड़ेंगे, सस्पेक्ट दौड़ा है उसके आपको पता है कि अब जैसे जिस मरीज़ को हमने आइसोलेशन में रखा हुआ है जो कोरोना वायरस का पहले कंफर्म पेशेंट था उसके घर वालों को सब ने सारे घर वालों को टेस्ट किया, उन घर वालों को टेस्ट करने के बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि वी हैव इंश्योर्ड के उनके वो नेगेटिव आए हैं उनको क्वारंटाइन किया। तो देखें ये हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी कोशिश करें, ये हमारा सिविल ऑब्लिगेशन है, अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप को खुद क्वारंटीन कर लूं ताकि मैं और लोगों को एक्सपोज ना करूं, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तरफ हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ आपको ये पता होना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि तकलीफ़ या बीमारी है जो फैल सके घर में रहो, बाहर ना निकलो ताकि किसी और को ना लगे। तो मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ आपको बार बार बतानी चाहिए ताकि इस मसले के आप इसके बाद आप नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो इस वक्त पंजाब के अंदर हैं वो 1200 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, 1000 वेंटिलेटर्स की ऑलरेडी ऑर्डर जा चुका है। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूँ हर मरीज वेंटिलेटर पे नहीं जाता, आई एक्सप्लेन टू यू राइट इन द बिगनिंग, 100 मरीज बीमार हुए उसमें से 80 मरीज खुद ब खुद रिकवर करेंगे, 20 ऐसे होंगे जिनको अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ेगा, उनमें से 1% ऐसा होगा, 1% आउट ऑफ दैट 20 उनमें से 1% ऐसा होगा जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। आप सब ये बताइएगा अभी आपने जैसे फरमाया है कि पंजाब के ज़ायरीन का जो बोझ है आ रहे हैं और उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे हैं हमारे पास, आपने फरमाया कि पंजाब के ज़ायरीन का बोझ जो है वो बढ़ेगा, और तो आप ये फरमाइए कि डीजी खान वगैरह में जो इंतजाम किए गए हैं वो आप समझती हैं कि वो काफ़ी हैं इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए, अगर और नहीं जी बाकी जो दूसरा ग्रुप है ज़ायरीन का वो भावलपुर जा रहे हैं, वहाँ तकरीबन 1200 लोग आ रहे हैं, उनके लिए अलहदा क्वारंटीन कर दिया गया है, अलहदा हॉस्पिटल जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वो उसको अलहदा रखा गया है। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप आएगा उनको मुल्तान में एडजस्ट किया जाएगा, वहाँ अलहदा बंदोबस्त कर लिया गया 1500 लोगों के लिए। इसी तरीके से कालाशाह काकू जो है उसके अंदर भी एक अलहदा क्वारंटीन बना दी गई है, तो जिस तरह ज़ायरीन आएंगे उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा, क्वारंटीन में रख के उनके टेस्ट किए जाएंगे, जो पॉजिटिव निकलेंगे उनको अलहदा रखा जाएगा, जो नेगेटिव निकलेंगे उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन अलहदा रख के और फिर रिलीज़ किया जाएगा।